हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गरिमा नक्कड़ किड्स। मैं गरिमा आज आपके साथ थोड़ी बहुत बातें करने आई हूँ, अच्छी अच्छी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आज की जो क्या करूँ बातें हैं वो हैं आपके बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज करना। ये टिप्स मैं ADHD बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ और साथ ही साथ नॉर्मल बच्चों के लिए भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि ये खाली ADHD बच्चों के लिए ही हो। टिप्स ये है जो आपकी समझ के हिसाब से ही कि आप अपने बच्चों का लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें। अब समय आपको पता है कैसा चल रहा है, पहले तो थोड़ा था चेंज था, लेकिन अब आपका जो समय है वो एक कोरोना डिसीज़ की वजह से लाइफस्टाइल में चेंज आ गया है। बच्चे घर पर ही ज़्यादा रह रहे हैं और हर किसी फैमिली में यही हो रहा है, बच्चे घर पर ही हैं, बाहर जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता चले कि अगर हम बाहर गए तो कोई नई तरीके की कोरोना वाली बीमारी हाथ लेकर आ गए और जो चेंज करा लाइफस्टाइल वो भी गया काम से। तो मैं ऐसा कोई टिप्स ऐसा नहीं दे रही हूँ कि आप जैसा मैं कहूँ वैसा करें, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? पहली चीज़, बच्चा पूरे दिन ऑनलाइन क्लासेस करता है, उस ऑनलाइन क्लासेस के बाद वो सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप पर रहता है, तो उस लाइफस्टाइल को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप आफ्टर लंच ब्रेक जब इवनिंग टाइम आता है, उस इवनिंग टाइम में आप उसे एनकरेज कर सकते हैं, उसका लैपटॉप उसका मोबाइल वो आप उसे अवॉइड करवाने की कोशिश कीजिए। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इवनिंग टाइम स्पेंड कर सकते हैं, शाम का जो स्नैक्स है वो उसके साथ लीजिए, आप उसके साथ कैरम खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत आप पार्क में जा सकते हैं, इतनी तो आज़ादी मिली हुई है, इतना तो जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, घर के पास अगर पार्क है तो उसे वॉक के लिए ले जा सकते हैं। जितना भी आप उसे बाहर ले जाएं, जितनी मतलब कि कहीं पर भी, जैसे शॉप पर जाना है, अगर है ज़रूरी है, अगर ठीक लगे तो लेकर जाएं, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ तो आप लेकर जाएं। मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, अभी तो मैं जो फॉलो कर रही हूँ उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ कि बच्चे को आप किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। गेम, सभी के घर में बहुत सारे गेम्स होते हैं, टॉयज लेकर आते हैं बच्चे, बहुत सारे गेम्स अपने लिए खरीद कर लाए हुए हैं, घर में बहुत गेम्स होते हैं, कैरम होता है, लूडो होता है, चेस होता है, बॉल्स के थ्रू गेम खेला जा सकता है, बैडमिंटन खेला जा सकता है, क्रिकेट तो नहीं खेला जा सकता लेकिन छोटी जगह में क्रिकेट भी चल जाता है तो क्रिकेट खेला जा सकता है। तो ये छोटे छोटे गेम आपके बच्चों की लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उनको आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे गेम दे सकते हैं, जैसे उसमें क्या करना है आपको कि जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी लेमन रेस, तो आप इस तरीके की छोटी सी रेस रख सकते हैं। आप उनसे घर में रखे हुए सामान को कलेक्ट करवा सकते हैं, बाहर से जब कोई सामान आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या सामान आया है, तो इससे बच्चे के स्टाइल में चेंज आएगा, वो उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा, उसे थोड़ा सा मोबाइल से अलग हटके कुछ नया करने के लिए मिलेगा। टीवी मोबाइल सब कुछ दे रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो साथ में बच्चे को टेंशन भी दे रहे हैं। ये लाइफ स्टाइल जो है वो हाइपर एक्टिव जो है वो बीमारी नहीं है, वो एक डिसऑर्डर है, उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। नॉर्मल बच्चों में भी इस तरीके की हरकतें आ जाती हैं कि वो सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है। मेरा छोटा बेटा यही काम करता है, मैं उसको नहीं कह सकती कि वो हाइपर एक्टिव है, लेकिन मोबाइल है तो मोबाइल के थ्रू ही खेला जाता है, कंप्यूटर के थ्रू खेला जाता है, टीवी देखा जाता है, कोई और काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें काम लगाने के लिए करने के लिए कहती हूँ उन्हें। आप मैं अपने जो बच्चे के साथ करती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं उनसे पानी की बॉटल्स भरवाती हूँ, फ्रिज में पानी रखने के लिए कहती हूँ, साथ ही साथ मैं उनसे कहती हूँ कि आप अब मुझे ये वेजिटेबल्स निकाल कर दीजिए, ताकि उन्हें उस चीज़ के बारे में भी पता रहे। तो उससे क्या है कि थोड़ा थोड़ा समय उनका हटेगा, दिमाग हटेगा, मोबाइल से हटेगा। पौधों में पानी करवाती हूँ मैं उनसे कि आप पौधों में जाकर पानी देकर आइए, जब आप पौधों में पानी देते हैं तो उससे मन खुश होता है, क्योंकि जब ग्रीनरी देखते हैं तो बच्चों को कुछ नया सोचने की अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कुछ नया करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपका बच्चा भी इस तरीके से, क्योंकि ये टाइम जो है उसमें बच्चे थोड़े से डाउन हो गए हैं, उन्हें एक्टिव बनाना है, उन्हें डाउन नहीं करना है, और एक्टिव बनाने के लिए ही आपको मैं ऐसी टिप्स दे रही हूँ। बेस्ट लगे तो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।